नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियों। मायसेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, प्रोग्राम BA BEd, ज्योति विद्यापीठ वीमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर राजस्थान। एंड सेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन डेवलप्ड कंट्रीज। स्टूडेंट्स, वी डिस्कस वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन डेवलप्ड कंट्रीज। फर्स्ट इज, citizens in developed countries have special reverence for the constitution of their country. Second is, public services in developed countries perform their work efficiently. Third is, eligibility for recruitment in public services is given more importance in such countries. And fourth is, more stability in public services is found in developed countries. Fifth is, the social, economic and administrative structure of developed countries is of a more dynamic trend. And sixth is, specialization is more important in developed countries. And seventh is, people in developed countries have a strong economy and happy life. And next characteristics is, here the scope of work remain major broad. And next and last is, the democratic nature remains in the public services of developed countries, that is, the right of to equality, justice and freedom remains equal for all. This session prepared by 2.0 digital version, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Let's see in Hindi. Students, आज का जो सेशन है वो है विकसित देशों में प्रशासनिक व्यवस्था के लक्षण। एक एक पॉइंटों में जिसकी बात करेंगे, विकसित देशों में नागरिक अपने देश के संविधान के प्रति विशेष श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक, इन सब का यहाँ के लोग बहुत सम्मान करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। दूसरा है, विकसित देशों में लोक सेवाएँ अपना कार्य कुशलता से संपन्न करती हैं। देखिए, जो विकसित देश हैं वहाँ नागरिकों में राष्ट्रभक्ति का स्तर ऊँचा होता है, इसलिए प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी सफलतापूर्वक किया जाता है, मीन्स अच्छे से वहाँ पर कार्य होते हैं। और यहाँ नए नए शोध, रिसर्च, नवाचार का कार्य किया जाता है। अगला है, लोक सेवाओं में भर्ती के लिए योग्यता को अधिक महत्व दिया जाता है। अब देखिए, जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए योग्यता को व्यापक मान्यता प्राप्त होती है। जो भी भर्ती होगी, प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा ही होती है। अब अगला है, विकसित देशों में लोक सेवाओं में अधिक स्थायित्व पाया जाता है। जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों में लोक सेवाओं में स्थायित्व का जो भाव है वो अधिक देखने को मिलता है।
शासक परिवर्तित होते रहते हैं परंतु नौकरशाही हमेशा बनी रहती है। इसके बाद में अगला है, विकसित देशों में लोक सेवाओं में अधिक स्थायित्व के बाद की बात करेंगे अपन। विकसित देशों का सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा अधिक गतिशील होता है। तो विकसित देश है, इन विकसित देशों में यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, कौन कौन सा, एक तो आपके सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा प्रशासनिक ढांचा, ये अधिक गतिशील होता है। इनमें मतलब परिवर्तन होता रहता है, गतिशीलता बनी रहती है और प्रशासनिक व्यवस्था शीघ्रता से बदलती रहती है। अगला है, विकसित देशों में विशेषज्ञता का अधिक महत्व रहता है। देखिए, जो विकसित देश हैं, डेवलप कंट्री हैं, वहाँ विज्ञान और तकनीकी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, विकास ने लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये विशिष्टता की ओर झुक रही है, उन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, ग्रहण कर रही है। अगला है, विकसित देशों में सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और सुखी जीवन लोगों का बना रहता है। देखिए, जो विकसित देश हैं, उन विकसित देशों में यहाँ जो लोग हैं, ठीक है, उन लोगों की जो प्रवृत्ति है वो सुखमय है, उनका जीवन सुखी से गुजरता है क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी रहती है। अगला है, यहाँ कार्य क्षेत्र में अधिक व्यापकता बनी रहती है, ठीक है। देखिए, जो विकसित देश हैं, उस विकसित देशों में गंभीर प्रकृति के कार्य होते हैं, ठीक है, और यहाँ का जो स्वरूप है लोक कल्याणकारी होता है, इसलिए यहाँ पर कृषि, उद्योग, संचार, रक्षा आदि से संबंधित कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। अगला है, विकसित देशों की लोक सेवाओं में लोकतांत्रिक स्वरूप बना रहता है, अर्थात यहाँ समानता, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार सभी के लिए समान बना रहता है। ये जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। अगला जो सेशन है, हम अगले वीडियो में बात करेंगे उसकी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।